अपराध की राजधानी बन चुके बिहार में सुशासन के सारे दावे फेल होते दिख रहे हैं। एक तरफ बिहार के डीजीपी जिलों का भ्रमण कर पुलिस अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर सुशासन बाबू बिहार में अपराध का ग्राफ कम है का दावा कर रहे हैं, लेकिन अपराध है कि कम होने का नाम नहीं ले रहा है। राज्य में अपराधियों का मनोबल बढ़ता जा रहा है, हत्या लूट की वारदात थमने का नाम नहीं ले रही है, फिर भी सत्ता पक्ष क्यों करे विचार, ठीक तो है नीतीश कुमार का नारा बुलंद कर रहे हैं, जबकि बढ़ते अपराध को लेकर सहयोगी पार्टी के नेता भी सुशासन बाबू से नाराज चल रहे हैं। बिहार में अपराधियों के हौसले इतने बुलंद है कि दिन दहाड़े 11 लोगों पर तेजाब से हमला कर दिया जाता है और आराम से अपराधी फरार हो जाते हैं। इस घटना में 11 लोग घायल हुए हैं, जबकि 3 व्यक्ति तेजाब से बुरी तरह से झुलस गए हैं। बताया जाता है कि भूमि विवाद को लेकर पड़ोस के लोगों ने कार्यक्रम के दौरान घर के सदस्यों पर तेजाब से हमला कर दिया। इस हादसे में नेपाल से आए रिश्तेदार भी घायल हो गए हैं। तेजाब कांड की इस घटना ने पुलिस महकमे में हड़कंप मचा दी है। आनंद फानन में घटना स्थल पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। पीड़ित परिवार अब न्याय की मांग कर रहा है। अब देखना यह है कि इस परिवार को कब तक न्याय मिल पाएगा। हम तो इतने देखे थे कि तेजाब फेंक रहा था, बच्चे सब गए बचाने के लिए। जब जैसे तेजाब फेंक रहा था, बच्चे सब बचाने गए। कौन फेंक रहा था? रामाशीष फेंक रहा था, एक हाथ लाठी था, एक हाथ बोतल था। बस हम जैसे देखे ना उसको फेंकते हुए, ऐसे बच्चे को बचाने में हम बच्चे पर गए बचाने के लिए। उसे हम मेरे जयपुर हमारे माँ के श्राद्ध था, क्रियाक्रम था, हम पर्दा लगा रहे थे आंगन में, इसी क्रम में वो लोग आए और उलझ गए। उलझने के बाद वो लोग जो है तेजाब डालना चालू कर दिए। कौन लोग सब था? वो राम आशीष सोनकर, उसके पत्नी, उसके 2-3 बेटा भाई, जितने भी उनके कुल खानदान के सारे के सारे। कितने लोग आपके घर में तेजाब से घायल हुए हैं? हमारे यहाँ 8 आदमी घायल। 3 आदमी पटना बाहर रेफर है। वही झगड़ा लड़ाई हुआ सर, खुटा खुटी गिरने लगा तो भैया लोग गए तो उधर से वाया रोका, रोक करके इसे बकटेटी हुआ, उधर से सब निकला, बोतल ले लग के तेजाब ढारने लगा। राम आशीष था, उसका परिवार, उसका बेटा, तीनों का हाथ में बोतल तेजाब का था। बेटी, ये तीनों बेटा जो है पूरे घर के परिवार के ऊपर तेजाब डाल दिया सर जी। सब था, सबका हाथ में बोतल, सब फेंकने लगा। आपके घर में कुल 12 लोग घायल हुए ना? परिवार का और आपके और भी सदस्य था उसका। अभी आपके बड़े भाई साहब कहाँ एडमिट है? अभी पूर्णिया हॉस्पिटल में है एडमिट। अभी 3 भाई और एक भाई का वहाँ कपार फूटा हुआ है, तो काम क्रिया करा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ATN लाइव।